नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपी एसटीडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, फिजिक्स की एक और वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में क्या था आपका, क्या क्या था थर्मल फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइस में डीसी और एसी सर्किट के अंदर क्या क्या आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं और क्या आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बताओ सी आर इज कॉल्ड, मतलब सी आर को क्या कहते हैं, सी आर को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने शायद फिजिक्स की जब मैंने थ्योरी क्लास ली थी तो उसमें हमने बताया था कि सी आर को क्या कहते हैं, सी आर को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट, और जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते थे, सी आर को हम लैम्डा से डिनोट करते थे। और सी आर हमारा क्या होता था, सी आर हमारा होता था टाइम कांस्टेंट, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते थे। लैम्डा इक्वल टू टी लेते थे या टी इक्वल टू सी आर ले लो या आर इंटू सी ले लो, ठीक है, एक ही बात होती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ए। ए क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर दो पे। क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या दे रखा है, द रेट ऑफ डिके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ डिके ऑफ करंट। देखो एक मैंने बताया था कि जब चार्जिंग करंट होता है, एक डिस्चार्जिंग करंट होता है। डिस्चार्जिंग मतलब डिके ऑफ करंट, मतलब जब वो डिक्रीज हो रहा है करंट। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दे रखा है इन एल सी आर सर्किट चार्ज ऑफ कैपेसिटर व्हेन जब आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन, किसके हो, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो 4L/C के, किसके हो 4L/C के। देखो इसमें क्या होता था, इसमें तीन कंडीशन होते थे। पहला कंडीशन जब हमारा होता था क्या, पहला कंडीशन होता था जब हमारा 1/LC इक्वल टू दे रखा होता था R²/4L², तब क्या होता था, तब होता था हमारा जस्ट क्रिटिकल, क्या होता था, जस्ट क्रिटिकल। ठीक है, उसके बाद में एक कंडीशन दे रखी होती थी क्या, कि R is less than 2√L/C। जब ये कंडीशन दे रखी होती थी, तो ये कंडीशन जब दे रखी होती थी तो ये किसकी कंडीशन होती थी, ये होती थी कंडीशन ऑक्सेलरेटरी की, किसकी, ऑक्सेलरेटरी की। अब जब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो हमारा कंडीशन क्या दे रखा है, हमारा कंडीशन दे रखा है R²≥4/C, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का कंडीशन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, एक मिनट, ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर फोर पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है इन एल सी आर सर्किट व्हेन चार्ज इज ऑक्सेलरेटरी देन द चार्ज इज मच लार्जर देन दैट द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। ठीक है, अभी क्या ऑक्सेलरेटरी में क्या किया, ऑक्सेलरेटरी का क्या था, ऑक्सेलरेटरी का था कि R इज ग्रेटर देन, R किसके होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, 2√L/C के, यही तो था। एक मिनट ऊपर देखते हैं क्या था, 4L/C के, R²/4L/C के। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब हमारा मच लार्जर देन द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है, यानी कि मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो हो सकता है चार्ज, जो अधिकतम चार्ज हो सकता है उससे, मतलब कि बहुत बड़ा हो, उससे बड़ा हो। ठीक है, एक तो कह रहा है कि मच लार्जर, तो ये ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन, अभी वहाँ ऊपर दिखाया था ग्रेटर देन है, तो एक्सेलरेटरी के केस में क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे मच पॉसिबल है, यानी ग्रेटर देन का आ रहा है। इक्वल का होता तो यहाँ पे आ जाता क्रिटिकल,
और अगर लेस देन का होता तो यहाँ पे आ जाता एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी आज के क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दे रखा है, इन एसी ब्रिज बैलेंस कंडीशन आर, इन एसी ब्रिज बैलेंस कंडीशन आर। देखो जब एसी ब्रिज को बैलेंस करते हैं तो उसमें कितने कंडीशंस होते हैं, उसमें दो कंडीशंस होते हैं। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में एसी ब्रिज बैलेंस करने में दो कंडीशन होते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितनी कंडीशन है, कंडीशंस आर दो। एक होता है हमारा स्टेप डाउन कंडीशन, एक होता है स्टेप अप एसी को बैलेंस करने में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा दो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि मैक्सिबल ब्रिज इज यूज टू डिटर्मिनेंट, मतलब मैक्सिबल ब्रिज को किस लिए यूज करते हैं, क्या निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, जो ऐसे ऐसे करके जॉइंट होता है। ठीक है, तो मैक्सिबल ब्रिज को यूज करते हैं हम इम्पीडेंस निकालने के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, इम्पीडेंस निकालने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इम्पीडेंस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, मैक्सिबल ब्रिज। ठीक है, अब आ जाओ आज के क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम, आज के क्वेश्चन नंबर आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन, शेयरिंग ब्रिज किस लिए यूज होता है, तो शेयरिंग ब्रिज हमारा यूज होता है किस लिए, शेयरिंग ब्रिज यूज होता है हमारा कैपेसिटर निकालने के लिए, किस लिए, कैपेसिटर निकालने के लिए। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम शेयरिंग ब्रिज का यूज करते हैं, और इम्पीडेंस निकालने के लिए हम मैक्सिबल ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, तो 6 का हो गया हमारा ए और 7th का हो गया हमारा बी, 7th का हो गया हमारा बी। ठीक है, अब बिंग ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन, मतलब बिंग ब्रिज का यूज किस लिए करते हैं, बिंग ब्रिज का यूज करते हैं हम कैपेसिटर इन टर्म ऑफ नॉन कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस इन टर्म ऑफ नॉन कैपेसिटेंस, मतलब कि हम कैपेसिटेंस निकालने के लिए यूज करते हैं किसके टर्म में, कैपेसिटेंस के टर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर आज के 8 पे, तो ये तो वही क्वेश्चन दे रखा है, 8 का हो गया, 8 हो गया हमारा। अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमारा कि थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट कंटेन, थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट क्या कंटेन करता है, अपने पास एक इम्पीडेंस कंटेन करता है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और एक ईएमएफ कंटेन करता है। ठीक है, तो थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है हमारी, थेवेनियन इक्विवेलेंट हमने कराया था, नहीं कराया था, तो थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होती है, थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट होती है कि यहाँ पे एक ये दे रखा है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, नेटवर्क टैंक, इसको एक प्रकार का टैंक बता दो, नेटवर्क ऑफ जनरेटर, ये होता है नेटवर्क ऑफ जनरेटर। ठीक है, या एंड लीनियर इम्पीडेंट भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लगा देते हैं ए, और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, जिसका हमें इम्पीडेंस निकालना होता है, और यहाँ पे एक लोड लगा देते हैं जिसको हम जेड एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा इसके बीच में जो वो दे रखा है, ये हमारा एल, सॉरी ये हमारा ई। तो थेवेनियन इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाता है, थेवेनियन इक्विवेलेंट हमारा हो जाता है किसके, जेड डैश के बराबर हो जाता है, यानी इम्पीडेंस के बराबर हो जाता है। ये हमारा इम्पीडेंस किसके सीरीज में ही कनेक्ट है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा वोल्टेज सोर्स ई और सीरीज में विद द इम्पीडेंस जेड। ठीक है, अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है हमारा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कंटेन, मतलब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है उसमें क्या क्या होता है। देखो जो अभी मैंने बताया था ऊपर वो क्या था, थेवेनियन इक्विवेलेंट, अब ये क्या आ गया हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो जो थेवेनियन इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट अगर उसकी वो देखा जाए क्या, अगर उसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट निकालना हो तो कैसा आता है हमारा, वो आता है कुछ इस तरीके से। कैसा आता है, अगर हमें निकालना हो क्या, हमें निकालना हो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, तो वो आएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा
यहाँ पे आ जाएगा हमारा वोल्टेज सोर्स जिसमें हम अप्लाई करेंगे ई, ठीक है, और ये किसके पैरेलल में होगा, यहाँ पे एक इम्पीडेंस लग जाएगा, ठीक है, ये इसके पैरेलल में होगा, ठीक है, ये इसके पैरेलल में होगा, और इसमें करंट, करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा करंट सोर्स आई डैश इज पैरेलल विद द इम्पीडेंस वाई, इम्पीडेंस वाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, करंट सोर्स आई इज पैरेलल विद द इम्पीडेंस वाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द बैंड ब्रेथ ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब ये रेजोनेंस सर्किट कैसी होती है, पैरेलल अगर रेजोनेंस बनाना हो तो यहाँ पे एक आ जाएगा हमारा क्या, पहले वोल्टेज सोर्स, ठीक है, जाएगा हमारा क्या वोल्टेज सोर्स, ठीक है, उसके बाद में इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लग जाएगा यहाँ पे, और उसके पैरेलल में इम्पीडेंस, और उसके पैरेलल में एक हमने बना दिया क्या कैपेसिटर लग गया, सी हो गया, ये हो गया एल, हो गया ये, हो गया आर, एल सी सर्किट इसके पैरेलल में हो गया। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो आएगा आई आर आई एल और आई सी, ठीक है, तीन करंट फ्लो करेंगे। उसके बाद में अब क्या कह रहा है कि बताओ इसकी बैंडविड्थ क्या होगी। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब इसकी बैंडविड्थ निकालोगे तो बैंडविड्थ का क्या ग्राफ आता है, बैंडविड्थ जब इसको सॉल्व करोगे ग्राफ बनाओगे तो इसकी बैंडविड्थ की ग्राफ ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर एक छोटा सा करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है इसका क्या, इसका होता है बैंडविड्थ, इसको हम बी डब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BW, ठीक है। ये जो इसके बीच में डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो यहाँ से मतलब ये कुछ यहाँ पे वो होगा, ठीक है, तो हम यहाँ से वो डाल देंगे, यहाँ से डाल देंगे, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा एफ नॉट क्यू नॉट, ठीक है। तो क्या होगा कि द बैंडविड्थ ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, मतलब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बैंडविड्थ कितनी होगी, पैरेलल मतलब समानांतर रेजोनेंस सर्किट की बैंडविड्थ जो होती वो होगी हमारा एफ नॉट अपॉन क्यू नॉट, एफ नॉट अपॉन क्यू नॉट, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि द बैंडविड्थ ऑफ सीरीज रेजोनेंस, अब अभी पैरेलल बताया था सेम हमारा सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे हो जाएगा रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे हो जाएगा इम्पीडेंस, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या कैपेसिटेंस, ये सर्किट बनेगी और बैंडविड्थ का सेम ग्राफ बनेगा, और फिर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा R अपॉन टू पाई एल। तो बैंडविड्थ ऑफ सीरीज का मतलब हो गया श्रेणी क्रम में अगर इसको हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा उसकी बैंडविड्थ हो गई R अपॉन टू पाई एल, ठीक है। आगे बढ़ें, अब कह रहा कि बैलिस्टिक गैलोमीटर मेजर, मतलब बैलिस्टिक जो गैलोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, देखो करंट तो एम्पियर मीटर मेजर करता है, कैपेसिटेंस तो मल्टीमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस तो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर या एमीटर के, अगर हमें डायरेक्ट मेजर करना होता है तो हम मल्टीमीटर के हेल्प से मेजर करते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा हमारे पास चार्ज, आंसर हो जाएगा ए, क्या जाएगा यहाँ पे चार्ज, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है हमारा, एक मिनट कहाँ पहुँचे भाई हम, बहुत पे द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ LR सर्किट, देखो टाइम कॉन्स्टेंट का फिर आ गया एक क्वेश्चन, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट का क्वेश्चन मैंने करवाया था ना आप लोगों को एक बार, तो एक दोबारा से टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है LR सर्किट, कोई एक LR सर्किट दे रखा है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई है, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है ना ये, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है R और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके सीरीज में कनेक्ट है L, ठीक है, और यहाँ पे एक क्या लगा होता था, स्विच लगा होता था, ठीक है, ऐसा करके सर्किट बनी होती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, याद आया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि टाइम कांस्टेंट को हम लैम्डा से निरूपण करते थे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है स्मॉल टी, या होता था हमारा क्या एल बाई आर, क्या होता था एल बाई आर, कुछ याद आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या एल बाई आर, आंसर आएगा ए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर सर्किट, अभी ऊपर बताया था क्या होता है आर इंटू सी होता है या सी इंटू आर होता है, लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू सी, ठीक है, या स्मॉल टी इज इक्वल टू आर इंटू सी, कुछ भी लिख दो, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है स्मॉल टी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आर इंटू सी। आगे बढ़ें, अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, दे रखा है कि अ रेजिस्टेंस आर, इम्पीडेंस
एल सॉरी इंडक्टेंस एल इज ज्वाइंट विद द बैटरी, बैटरी जो जिसकी वोल्टेज दे रखी ई, तो वैल्यू ऑफ स्टडी, वैल्यू ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट, स्टडी मतलब स्थिर करंट क्या होगा उसमें, स्थिर करंट बताना है। स्थिर करंट क्या होता था, आई इक्वल टू निकालते थे ना, आई नॉट क्या आता था हमारा, ई अपॉन आर, क्या आता था ई अपॉन आर, याद आया कुछ, ई अपॉन आर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कैसे करना है इनको, इनको सबको सीरीज में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी लगा दो ईएमएफ ई, ये हो जाएगा सर्किट, ठीक है। आगे बढ़ें, अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 पे। 16 तो ऑलरेडी हो गया, ये दो बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई बाई आर। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है भाई साहब, देखो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन इन एलसी सर्किट इज। अब टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। ऑक्सीलरेटरी एलसी सर्किट में क्या होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। अगर यहाँ पे क्या दे रखा होता है, अगर टाइम पीरियड हमें निकालना होता है टी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे कैपेसिटर दे रखा होता, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा होता, तो ये होता है 1/2 पाई आर इंटू सी। बट यहाँ पे एल दे रखा है, इसलिए क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ए, 17 का ए, द कंडीशन ऑफ ऑक्सीलरेटरी इन एल आर सर्किट। अभी ऊपर समझाया था एल आर सर्किट में क्या होता है, एल आर सर्किट में अगर ऑक्सीलरेशन का निकालते हैं तो ऑक्सीलरेशन का क्या होता है, आर इज लेस देन अंडर रूट एल अपॉन सी, आर इज लेस देन अंडर रूट एल अपॉन सी। अभी ऊपर बताया था, क्या बताया था, आर इज लेस देन अंडर रूट एल अपॉन सी। तो यहाँ पे ढूंढो कहाँ है, यहाँ पे ये दे रखा है क्या, आर इज लेस देन 2 इंटू एल अपॉन अंडर रूट सी, 2 लिखना भूल गया था सॉरी, ठीक है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है हमारा अ नेटवर्क थ्योरम इन व्हिच अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कंटेन सेवरल जनरेटर एंड इम्पीडेंस कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंपल इक्विवेलेंट जनरेटर इज। अब ये सेवरल जनरेटर का मतलब क्या होता है, सेवरल जनरेटर का मतलब होता है, सेवरल मतलब कई, और जनरेटर का मतलब होता है जनरेटर, पता है। इम्पीडेंस का मतलब तो पता है क्या होता है, इंडक्टेंस का मतलब होता है, इम्पीडेंस का मतलब होता है प्रतिबाधा, ठीक है, सॉरी इम्पीडेंस का मतलब होता है प्रतिबाधा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि नेटवर्क थ्योरम में एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, मतलब अगर कई, सेवरल मतलब कई, अगर कई नेटवर्क आप कनेक्ट कर दोगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाएगा ना। अगर आपने क्या किया, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैसे बनता है, जब आप उसमें कई नेटवर्क कनेक्ट कर देते हो, सपोज करो यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, फिर आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, फिर यहाँ से आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ के आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड जब आप नेटवर्क थ्योरम बनाओगे तो क्या कह रहा है कि, एक मिनट भाई साहब ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये कह रहा है कि बताओ कि अ नेटवर्क थ्योरम इन व्हिच अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कंटेन सेवरल जनरेटर एंड इम्पीडेंस कैन बी रिप्लेस बाई अ सिंपल इक्विवेलेंट जनरेटर इज। अगर उसको सिंपल इक्विवेलेंट जनरेटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, उसमें हम अप्लाई कर देंगे थेवेनियन नेटवर्क थ्योरम। उसमें क्या, वो कैसे सॉल्व होगा, वो सॉल्व होगा थेवेनियन नेटवर्क थ्योरम से। किससे सॉल्व होगा, थेवेनियन नेटवर्क थ्योरम से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे बढ़ें, आ जाओ आज के क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है ड्यूअल ऑफ थेवेनियन थ्योरम इज। देखो थेवेनियन थ्योरम जो होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था, जो थेवेनियन थ्योरम हमारा होता है वो सिमिलर होता है किसके, नॉर्टन थ्योरम के। किसके सिमिलर होता है, नॉर्टन थ्योरम के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूअल ऑफ थेवेनियन थ्योरम इज, मतलब कह रहा कि
थेवेनिन थ्योरम का डुअल का मतलब हो गया दूसरा पर्पज़ क्या है, दूसरा पर्पज़ क्या है, नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। अब आगे बढ़ें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कह रहा है, अ टू टर्मिनल नेटवर्क विल ऑब्जर्व मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ जनरेटर इफ द लोड इम्पीडेंस इज, इफ द लोड इम्पीडेंस इज, ठीक है। टू टर्मिनल नेटवर्क ऑब्जर्व द मैक्सिमम पावर जनरेटर इफ द लोड इम्पीडेंस, अभी टू टर्मिनल बताया था ना, यहाँ पे एक जनरेटर लगा है, यहाँ पे टू टर्मिनल दे रखा है और यहाँ पे एक लोड कनेक्ट है जेड, ठीक है। ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, ये हमारा ई हो गया, और ये क्या है, टैंक दे रखा है या इम्पीडेंस दे रखा है, ठीक है, नेटवर्क इम्पीडेंस दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है ना ये थेवेनिन वाला। तो क्या कह रहा है ये कि द टू टर्मिनल नेटवर्क विल ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब कि उसको देख रहा है, मतलब उसको जानने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्व का मतलब होता है जानने की कोशिश करना, ठीक है। मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है फॉर जनरेटर, जनरेटर टू लोड इम्पीडेंस अगर हमने लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द इंटरनल इम्पीडेंस, इंटरनल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा इंटरनल इम्पीडेंस का, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, इन रेसिप्रोसिटी थ्योरम, अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है कि जब तीन इम्पीडेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट हों, किसके, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये होता है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम, क्या होता है कि यहाँ पे लीनियर इम्पीडेंस कनेक्ट हैं, एक तो यहाँ पे कनेक्ट है Z1 हो गया, ये कनेक्ट है किसके, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया था क्या ई, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कनेक्ट है क्या Z2 हो गया, फिर यहाँ पे कनेक्ट है क्या Z3, ठीक है, तो Z1 Z2 Z3, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ पे इधर कनेक्ट है, तो ये क्या है, ये है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये कौन सा थ्योरम है, ये है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो क्या कह रहा है, इन रेसिप्रोसिटी थ्योरम द रेशियो ऑफ EMF इज वन ब्रांच, मतलब इसकी एक ब्रांच में, ये एक ब्रांच, वन ब्रांच टू द करंट इन एन अदर ब्रांच इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है कि वन ब्रांच और दूसरी ब्रांच में जो करंट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांसफर इम्पीडेंस, क्या कहलाएगा, ट्रांसफर इम्पीडेंस, क्या कहलाएगा हमारा, ट्रांसफर इम्पीडेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन तीन इम्पीडेंस लगे हैं, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके, ये हो गया हमारा Z1, ये हो गया Z2, ये हो गया क्या Z3, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये सर्किट है, ठीक है, Z1 Z2 Z3 के, तो वो क्या कहेगा, वो कहलाएगा हमारा ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। अब आओ आज के क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 क्या दे रखा है हमारा, 23 दे रखा है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेन, कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग इम्पीडेंस एंड जनरेटर इज नोन एज, कंटेनिंग मतलब बहुत सारा एकत्र करना, बहुत सारा कंटेन करना, एकत्र करना, इम्पीडेंस का मतलब पता है ना, प्रतिबाधा, ठीक है, ये होता हमारा इम्पीडेंस जेड, ठीक है, इम्पीडेंस एंड जनरेटर इज नोन एज, इज नोन एज नेटवर्क, क्या उसको क्या बोलेंगे, जब बहुत सारे इम्पीडेंस को कंटेन कर देंगे और उसमें जनरेटर लगा देंगे तो वो एक नेटवर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, देखो ऐसे, कैसे, क्या कहना है ये कि बहुत सारा, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ सेम, ये हो गया Z1, ये हो गया हमारा Z2, ये हो गया हमारा Z3, तो Z1 Z2 और Z3, और इसमें क्या लगा दिया हमने, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एक जनरेटर लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक नेटवर्क थ्योरम, एक बन गया क्या नेटवर्क, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 23 का सी। आ जाओ आज के क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है कि अ नेटवर्क कंटेन सर्किट एलिमेंट विदाउट एनी एनर्जी सोर्स, अगर विदाउट एनी एनर्जी सोर्स तो वो क्या होगा, वो हमारा एक्टिव नहीं होगा, अगर कोई भी एनर्जी सोर्स उसमें नहीं है तो एक्टिव होगा नहीं, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पैसिव होगा, वो हमारा पैसिव नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा कौन सा नेटवर्क हो जाएगा, द नेटवर्क कंटेन सर्किट एलिमेंट विदाउट एनी एनर्जी सोर्स, तो हमारा हो जाएगा पैसिव नेटवर्क, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। इन अ नेटवर्क इफ किरचॉफ्स लॉ आर अप्लाइड सच दैट करंट आर नोन, करंट आर अननोन
देन द इक्वेशन आर कह रहा कि इन अ नेटवर्क, देखो किरचॉफ्स लॉ वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे लूप सर्किट बनता है। सपोज करो ये हमारा कोई एक सर्किट था, ठीक है, ये करके ऐसे यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई है और ये फर्स्ट हो गया और यहाँ पे सेकंड हो गया, तो यहाँ पे एक लूप बन जाती है, यहाँ पे एक लूप बन जाता है करंट का, ठीक है, तो यहाँ पे एक लूप बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या पूछ रहा है कि अगर हमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है तो करंट आर अननोन देन दी इक्वेशन क्या कहलाएगा, वो हमारा लूप इक्वेशन कहलाएगा। कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, लूप इक्वेशन कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कोई भी एक लीनियर नेटवर्क दे रखा है और उसमें अगर हमने क्या कर दिया कि इफ़ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ लोकेट एट वन पॉइंट, मतलब कि उसमें किसी एक पॉइंट पे ईएमएफ सोर्स लोकेटेड है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे लोकेटेड का मतलब एक पॉइंट पे दे रखा है, ठीक है, प्रोड्यूस अ करंट इन द सेकेंड पॉइंट, मतलब सेकेंड पॉइंट मतलब सेकेंड में भी जा रहा है, मतलब वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो सेकेंड पॉइंट में भी जा रहा है, देन द सेम सोर्स प्लेस एट द सेकेंड पॉइंट विल प्रोड्यूस द सेम करंट इन द फर्स्ट पॉइंट, द स्टेटमेंट इज, मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे सपोज करो कि तीन इम्पीडेंस लगे हुए हैं, Z1 Z2 और Z3, ये हो गया हमारा क्या Z3। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक हमने ई कनेक्टर दिया है और यहाँ पे क्या है कि अब कह रहा है कि तीनों, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी तीनों में सेम करंट जा रहे हैं, सेम करंट तीनों पॉइंट पे सेम करंट जा रहे हैं। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में वोल्टेज बराबर होती है हमारी और करंट हमारा सेम होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि तीनों में हमारा करंट क्या हो रहा है कि सेम जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि तीनों पॉइंट पे हमारा करंट क्या हो रहा है कि सेम ही जा रहा है, मतलब यहाँ भी करंट सेम हो रहा है यहाँ भी करंट। तो ये किसके केस में हो रहा था, ये हमारा क्या हो रहा था, ये हमारा रेसिप्रोसिटी के केस में, रेसिप्रोसिटी थ्योरम में ही ऐसा हो रहा था। ऐसा डायग्राम किस में बनाया था मैंने, रेसिप्रोसिटी थ्योरम में बनाया था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। अब आ जाओ आज के क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है कि हॉट वायर, कह रहा कि हॉट वायर एमीटर आर यूज फॉर मेजरिंग, मतलब कि हॉट वायर एमीटर आर यूज फॉर मेजरिंग, मतलब कि जो हॉट वायर एमीटर है वो क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, वो मेजर करने के लिए यूज होता है एसी और डीसी बोथ, किसके लिए यूज होता है, एसी और डीसी दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, वो दोनों के लिए यूज होता है, समझ में आया। अब आगे बढ़ें, अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 क्या दे रखा है, दे रखा है द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर, कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है और कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। यानी प्राइमरी कितना दे रखा है, प्राइमरी दे रखा है एन पी इक्वल टू दे रखा है हमारा 1000 और एन एस इक्वल टू दे रखा है 100। अब क्या दे रखा है, दे रखा है कि 220 वोल्ट डीसी वोल्टेज इन इम्प्रेस अक्रॉस द प्राइमरी, यानी एनपी दे रखा, सॉरी वोल्टेज में होता है हमारा, यानी बीपी दे रखा है हमारा, बीपी मतलब प्राइमरी 220 वोल्ट। तो कह रहा है कि बीएस निकालो, सेकेंडरी वोल्टेज बताओ। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा बीएस अपॉन बीपी इक्वल टू होता है बीएस अपॉन बीपी क्या होता है हमारा एनएस अपॉन एनपी। अब यहाँ पे बीएस क्या दे रखा है, हमारा बीएस दे रखा है, बीएस हमें निकालना है और बीपी कितना दे रखा है 220 वोल्ट। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 100/1000 वोल्ट के, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/10 और यहाँ बचा 220। तो ये से कैंसिल करोगे ये बचेगा, तो बीएस की वोल्टेज कितनी आ जाएगी, बीएस की वोल्टेज आएगी 22 वोल्ट। तो आप क्या करोगे, आप देखते ही 22 पे लगा दोगे निकाल के इस फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है, ज़रा ध्यान देने वाली बात पता क्या है, शुरू में ध्यान दोगे जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। क्या ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान देना है कि यहाँ पे दे रखा है डीसी वोल्टेज
और ये जो फॉर्मूला होता है कि बी एस अपॉन बी पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ये फॉर्मूला होता है एसी के केस में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमेशा एसी वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज नहीं होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारी वोल्टेज हो जाएगी जीरो। समझ में आया? अब चलें आगे बढ़ें, तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या दे रखा है, वोल्टेज मेजर अक्रॉस द एसी मेंस टर्मिनल इज 220 वोल्ट, देन कह रहा है पीक टू पीक वेरिएशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल। पीक टू पीक का मतलब होता है कि हमारा एक ये साइकिल चल रही होती है ये, ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ये होती है मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, तो बी मैक्स इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, ये जो आती है ये होती है हमारी मिनिमम वोल्टेज, तो इसको बोलते हैं बी मिन। तो पीक टू पीक वोल्टेज होती है, पीक टू पीक वोल्टेज हमारी क्या होती है, पीक टू पीक वोल्टेज हो जाती है हमारी बी मैक्सिमम अपॉन बी मिनिमम। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, तो ये दोनों जोड़ देंगे, बी मैक्सिमम कितना दे रखा है, एक ही वोल्टेज दे रखी है हमारी 220, तो दोनों जोड़ेंगे और दोनों जोड़ के हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 210 प्लस 210 कितना हो जाएगा 420 वोल्ट, लेकिन ये होता है 420 वोल्ट, लेकिन ये होता है क्या, ये होता है अंडर रूट टू, बी आर एम एस इक्वल टू होता है अंडर रूट टू बी मैक्सिमम प्लस बी मिनिमम, ठीक है, बी मैक्सिमम प्लस बी मिनिमम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 420 अंडर रूट टू वोल्ट, ठीक है, क्योंकि इसका आता है बी मैक्सिमम प्लस बी मिनिमम अंडर रूट टू वोल्ट, आर एम एस इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अ रजिस्टर एक इंडक्टर दे रखा है, एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर कनेक्ट इन सीरीज विद एसी पावर सप्लाई व्हेन द, अच्छा कह रहा है कि एक क्या है कि एक सर्किट बनी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे इंडक्टर लगा है, और यहाँ पे कैपेसिटर जॉइंट है, और ये एक सीरीज सर्किट में कनेक्ट है, और यहाँ पे दे रखा है एक वोल्टेज बी एस, ठीक है, ये क्या दे रखा है बी एस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखी है यानी बी आर हमारा कितना दे रखा है 80 वोल्ट, यहाँ पे 80 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे 30 वोल्ट दे रखा है, और यहाँ पे 90 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, यानी बी सी इक्वल टू 90 वोल्ट, बी एल इक्वल टू 30 वोल्ट, और बी आर इक्वल टू 80 वोल्ट। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है बी एस, तो बी एस इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला होता है एक अंडर रूट बी एल स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से पहले ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे अंडर रूट बी एस स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, उसके बाद में जो आएगा ये इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा x है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये जो ओवरऑल आएगा ये आएगा हमारा बी एस। तो अब समझ में आ गया, यानी पहले हम निकालेंगे क्या, पहले हम निकालेंगे ये आ जाएगा, तो इसको हम ले लेंगे इक्वल टू x, तो फिर दूसरे में निकालेंगे बी एस, फाइनल क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो टोटली मैंने इसको सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के बाद में, अगर सॉल्व कराएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा हमारा क्या 100 वोल्ट, ठीक है, ये सॉल्व करके देख लेना, और सॉल्व करके जब देखोगे तो आएगा हमारा 100 वोल्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 दे रखा है, क्या 31 दे रखा है हमारा, एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एंड इंडक्टेंस 0.5 हेनरी दे रखा है, और कैपेसिटर दे रखा है 8 माइक्रोफेरेट, इन सीरीज में कनेक्ट है, तो मैक्सिमम एंगुलर फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल टू बता रहा है, कह रहा है मैक्सिमम एंगुलर फ्रिक्वेंसी एफ निकालो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी एफ एल होता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, यहाँ पे L भी दे रखा है, यहाँ पे C दे रखा है, और पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14। हम यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 हर्ट्ज़ आ जाएगा, क्या 500 हर्ट्ज़ आ जाएगा। मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया, फार्मूला FL इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एंगुलर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L इंटू सी, यहाँ पे L भी दे रखा है, C भी दे रखा है, और पाई की वैल्यू भी दे रखी है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के वीडियो में जितने भी मैंने ऑटोमेटिक टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक करके इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।